दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म जब वी मेट टू। ये 2014 की एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा फिल्म है डायरेक्टेड बाय राज पिपालक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। तो इस फिल्म की कहानी चार कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमते रहती है और एक तरीके से ये सभी चार कैरेक्टर इस फिल्म के लीड कैरेक्टर्स हैं। और ये सभी चार कैरेक्टर हैं वंशी, भानु, पिज्जा डिलीवरी बॉय और दोरा बाबू। सबसे पहले तो इस फिल्म में हमें चारों कैरेक्टर्स की अलग अलग कहानियां दिखाई गई है। उनकी जिंदगी कैसे चल रही है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में किस तरीके की मुसीबत है और वो कैसे उसका सामना कर रहे हैं, उसके बाद किस तरीके से एक नया मोड़ आता है और उनकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है ये सभी कैरेक्टर एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। जो भी सारी घटनाएं होती जाती हैं ये इन सभी कैरेक्टर्स को और भी ज़्यादा एक दूसरे के पास ले आता है। और एक तरीके से जितनी भी चार कहानियां उन सभी कैरेक्टर्स की हमको इस फिल्म में दिखाई गई है वो बाद में एक तरीके से मर्ज हो जाती है और एक फिल्म को एक अलग ही मोड़ मिल जाता है। वो कैसे किस तरीके से मिलता है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और इस फिल्म को देखकर मुझे अंतर्युद्ध फिल्म की याद आ गई और मुझे एक तरीके से लगता है कि अंतर्युद्ध फिल्म इसी फिल्म से इंस्पायर्ड होगी, क्योंकि वो फिल्म आई थी 2018 में जबकि वो फिल्म आई थी 2014 में। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अंतर्युद्ध फिल्म कहीं ना कहीं इस फिल्म से इंस्पायर्ड ज़रूर होगी। इस फिल्म में आपको ज़्यादा कुछ बड़े सरप्राइजेस देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि एक तरीके से इस फिल्म को आप एक खुली किताब मान सकते हो। इस फिल्म में ज़्यादा ट्विस्ट टर्न्स भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सभी कहानियों को जिस तरीके से जोड़कर हमारे सामने रखा गया है और जिस तरीके से फिल्म के अलग अलग सीन्स को एक दूसरे के साथ जिस तरीके से जोड़ा गया है वो बिल्कुल ही कमाल का है। एकदम अलग तरीके का एक्सपीरियंस ये फिल्म हमें देती है और इसी वजह से फिल्म देखने का मज़ा दोगुना हो जाता है और फिल्म देखने में हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इस फिल्म की कहानी और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सकती थी, और भी ज़्यादा बढ़िया हो सकती थी और इस फिल्म को एक तरीके से एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के तौर पर हमारे सामने रखा भी जा सकता था। खैर अब जो है यही है। इसके अलावा एक बात बताना तो रह गया था कि ये फिल्म ऑलरेडी 4 महीने पहले एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई थी लव एंड लिव नाम से। तो अगर आपने इस फिल्म को ऑलरेडी देखा भी है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वहां पर जो फिल्म की लेंथ है वो है 1 घंटा 37 मिनट की, जबकि यहां पर इस फिल्म की लेंथ है 1 घंटा 44 मिनट की। तो अगर आपने उस फिल्म को देखते समय कुछ मिस कर दिया था तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं, तो हाँ ये फिल्म देखने लायक है, बढ़िया फिल्म है और अगर आपके पास समय है तो आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 7.9 out of 10 star। बाकी अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस फिल्म के बारे में मुझे आप कमेंट में जरूर बताएगा। और हाँ कि ये फिल्म YouTube पर फ्री में अवेलेबल है तो अगर आप चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी ऐसे मूवी के रिव्यू के साथ। जोहार।